नमस्कार, युग गुरु धीरज चैनल में आप सभी साधकों का स्वागत है। पुरुष की प्रोस्टेट समस्या खून के आंसू जैसे रुला देता है। एक एज के बाद, खासतौर पर आधुनिक समय में 40 प्लस के एज होते ही ये समस्या कमोबेश बढ़ती जा रही है और एक अध्ययन के मुताबिक 80% से ज़्यादा पुरुष इसकी चपेट में देर सवेर आ ही जाते हैं। लेकिन योग कहता है कि हेयम दुखम अनागतम, यानी आने वाली समस्याओं को, अनागतम दुख को टाला जा सकता है। इसलिए ये अभ्यास आपको आने वाले प्रोस्टेट की समस्या से बचाएगा। साथ ही साथ ऐसे साधक, ऐसे बंधु बांधव जो प्रोस्टेट की समस्या से जूझ रहे हैं, नियमित इसका अभ्यास करें। खास तौर पे हर आसन में ज़्यादा समय तक रहें, लेकिन ज़बरदस्ती के साथ नहीं, सहजता के साथ समय बढ़ाने से उनको जल्दी लाभ दिखने लगेगा। नहीं तो ताउम्र आप दवा की मोहताज होते जाएंगे, लेकिन समस्या बढ़ती जाएगी। तो आज समझेंगे कि प्रोस्टेट ग्लैंड की जो प्रॉब्लम है उसके वजह से समस्या क्या क्या। अगर आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन जाना पड़ता है, ऐसा नहीं कि डायबिटीज ही हो, इसका मतलब प्रोस्टेट की समस्या भी हो सकती है। दिन के समय खासतौर पर और रात में भी बार बार पेशाब जाना, ये प्रोस्टेट की समस्या है। और दूसरा इसमें सपोर्ट एंगल क्या है कि आपको पेशाब का जो फ्लो है वो एक नेचुरल, जो एक मजबूत फ्लो होना चाहिए, वो नहीं आएगा। पेशाब का फ्लो एक डिस्टर्ब की तरह दिखेगा। इसीलिए प्रोस्टेट की समस्या में पेशाब की गति का भी जांच कराया जाता है कि किस तरह का फोर्स है आपके यूरिन पास करने में। तो वो भी एक है वजह जिससे आप समझ सकते हैं कि प्रोस्टेट में अगर समस्या होती तो पेशाब में जलन की भी समस्या हो सकती है, एक रुकावट फील होगी। अगर ये सब शुरुआती लक्षण आपको दिख रहे हैं तो इमीडिएट आप योगाभ्यास की शरण में चले जाएं और ये समस्या और लक्षण बने ही नहीं, पहले से ही अभ्यास कर लें। सबसे पहले आप चाहें तो सही तरीके का एक सूर्य नमस्कार करके वार्म अप जरूर कर लें। अगर डायरेक्ट सूर्य नमस्कार नहीं कर सकें तो कम से कम आप एक आसन जो शुरुआती आपकी तैयारी करेगा, उसका प्रोस्टेट से खास लेना देना नहीं है, अधोमुख श्वान आसन, वो आपको फूल बॉडी में स्ट्रेच करके आपको तैयार करेगा। तो दोनों पाँव के बीच में गैप है हिप डिस्टेंस अपार्ट पे, और हाथों के बीच में छाती के बराबर गैप, और उंगलियां दसों खुली हुई है। श्वास लेकर के आप उठ गए, हिप पीछे ले गए, कंधे को प्रेस कर, तो ये फूल बॉडी एक बार स्ट्रेच हो जाएगा तो आप एक तरह से तैयार। तो ये पहला मैंने एक वार्म अप करने के लिए, शरीर को तैयार करने के लिए बताया। सबसे इफेक्टिव आसन बद्ध कोणासन, कहीं कहीं बटरफ्लाई कहा जाता है। एक्चुअल में ध्यान रखिए कि जब प्रोस्टेट की जो साइज होती है जैसे वॉलनट होती है तो उस तरह से होता है, उतना ही साइज, लेकिन उम्र के साथ उसमें एक ढीलापन आता है, उसकी स्ट्रेंथ चली जाती है और उसका स्ट्रेच जो प्रॉपर उसकी साइज होनी चाहिए वो ना होकर के इनलार्ज हो जाता है। पहले इसकी तीन स्थिति है। एक, पहला इन्फ्लामेशन हो जाना यानी सूजन होना प्रोस्टेट में, शुरुआत है। दूसरी स्थिति है इनलार्जमेंट यानी साइज का बड़ा हो जाना, और कहीं रेयर केस में, जरूरी नहीं कि ये दोनों स्थिति हो तो तीसरी स्थिति में आप पहुंचे ही, प्रोस्टेट कैंसर का हो जाना। तो उस वो एक अलग स्थिति है, जरूरी नहीं कि सब वहां पहुंचे ही, इसलिए घबराने जैसी कोई बात नहीं है, योग करने जैसी बात। तो आप ये जो बद्ध कोण है, क्यों करना है ये आसन, क्योंकि ये आपको दो टारगेट करना है। एक स्ट्रेंथनिंग करना उस ग्लैंड को, उसको मजबूत देना, क्योंकि अगर मजबूत नहीं होगा तो वो लटकेगा और उसकी साइज बढ़ने लगेगी। एक जैसे मसल ढीला पड़ जाता है, जैसे लटक जाता है, तो उसको साइज बढ़ना भी कह सकते हैं, और एक टाइट मसल, एक मजबूत मसल, तो स्ट्रेंथनिंग। लेकिन आइडियल मसल स्ट्रेंथ के साथ स्ट्रेच भी खोजता है, क्योंकि तनाव के कारण उस एरिया में स्ट्रेच नहीं होने से प्रोस्टेट की समस्या हो सकती है। तो ये आसन स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग दो करेगा, इसीलिए। लेकिन कई लोग बद्ध कोण आसन, जिसको आजकल बटरफ्लाई बड़े नाम दे रहे हैं, उसमें मूवमेंट करने लगते हैं, तो ये कोई फायदा नहीं करेंगे, क्योंकि ये स्ट्रेच नहीं करा रहा है आपका। इसलिए योगासन में ठहरना इंपॉर्टेंट है, चलना नहीं। लेकिन टीवी के जो आजकल मठाधीश लोग हैं वो एक्सरसाइज योग को बना रहे हैं, उससे सावधान रहिएगा। तो इस आसन में बैठे रहिए, शांति से इसको फील करें, और जितनी लंबी गहरी सांस लें और उतना ज़्यादा आपको लाभ पहुँचेगा, जितना कंफर्ट हो। अगर किसी का शुरुआत में इस तरह से रहता है पांव, तो आप क्या करें, आप लेट जाएंगे सुप्त बद्ध कोणासन, यानी देखिए जैसे हम एक
दो बोल्स्टर इसीलिए रखी है कुशन, आप ऐसे ले जाइए, ये आसान रहता है कि आप लंबे समय तक रह सकते हैं, क्योंकि इसमें टंगा रहेगा तो ग्रेविटी खींचेगी, तो इसको सपोर्ट देने के लिए ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, ऐसा करके शवासन स्थिति में लेट जाएं और वशिष्ठ प्राणायाम की तरह श्वास लें और छोड़ें। क्यों वशिष्ठ प्राणायाम? क्योंकि श्वास पे जितना हमारा फोकस रहेगा उतना मन शांत रहेगा, और स्ट्रेस के वजह से भी प्रोस्टेट की समस्या बढ़ जाती है, क्योंकि ये एरिया में अपान वायु का डिस्टर्बेंस शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे लेट जाए वशिष्ठ करेंगे तो लाभ दूसरा बढ़ जाएगा। तो पैल्विक फ्लोर को स्ट्रेंथनिंग एंड स्ट्रेचिंग का काम, धीरे धीरे लगे कि मेरी ओपनिंग बढ़ती जा रही है तो आप इसको बिना रखे भी थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से पांव को काम करने लगेगा। बिना सपोर्ट का एक समय आ जाए तो स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग बढ़ेगी, तो जहां शुरुआत में सपोर्ट की जरूरत लगाएंगे फिर हटा दें, अपाहिज नहीं बने रहना। सपोर्ट बस है कि हड्डी अभी टूट गई है तो बैसाखी ले लिया, हड्डी जुड़ गई बैसाखी फेंक दिया, तो शुरुआती स्ट्रेंथ की तैयारी तक, फिर हमेशा नहीं। कई लोग हैं कि योग में हमेशा कुछ ना कुछ एक सिस्टम को सपोर्ट में बनाए रखते हैं, वो गलत परिपाटी। तो सुप्त बद्ध कोणासन, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, वीरासन, वज्रासन बैठते हैं तो ये आपको सपोर्ट दे देता है हड्डी का नीचे से, तो उतना पैल्विक को स्ट्रेंथनिंग नहीं मिलती, थोड़ा बहुत आपको बेहतरी होगा। लेकिन वीरासन खासतौर पर उसमें क्या करना है कि आप दोनों पैर को बाहर की तरफ रखते हैं और बीच के एरिया में बैठते हैं। क्या हमको नी पेन है किसी को, तो इस वीरासन को करें, हरगिज ना करें। जरूरी नहीं कि मैं जो हर आसन बता रहा हूं उसको करना ही करना, आप अपनी सुविधा से उसको जोड़ सकते हैं या हटा सकते हैं। तो इस आसन को अगर हड्डी की प्रॉब्लम हो, नी में समस्या हो तो ना करें, वो लेने के देने पड़ेगा। तो ये वीरासन है, इसमें हम बीच के एरिया में बैठते हैं। शुरुआत में बीच में बैठना थोड़ा कष्टकर लगे तो आप इस तरह से कुशन जो है नितंब के नीचे दे दें, तो देखिए बाहर पैर है और बीच के एरिया को हिप डिस्टेंस अपार्ट में रखें नी को, और स्पाइन को रखेंगे तो ये स्ट्रेंथनिंग करेगा आपका पैल्विक फ्लोर को। समय की मर्यादा क्या रहेगी, जितना आपको सहज उतना देर आप रखें। किसी को एंकल में प्रेशर आ रहा हो तो यहाँ पर भी एक कपड़ा इस तरह से, मान लीजिए ये कपड़ा मेरे पास अभी नहीं है तो ऐसे कपड़ा लगा दीजिए तो आप रख सकते हैं। तो ये स्थिति से आपको एंकल में प्रेशर लगे बिना, आपको लगे घुटने में भी प्रेशर आ रहा है तो यहाँ पे भी एक कपड़ा देते हैं। शुरुआत में फोल्डेड ब्लैंकेट या फोल्डेड क्लॉथ लगा करके आप काम कर सकते हैं, मुड़ा हुआ कपड़ा रख सकते हैं। इस आसन में रहिए और इसके प्रभाव को ज़्यादा बढ़ाना हो तो सुप्त वीरासन, यानी इस स्थिति में आप आ गए। देखिए मैंने अभी ये लगाया हुआ है, जैसे ये हटाएंगे ये पैल्विक को ज्यादा स्ट्रेच और स्ट्रेंथनिंग करेगा। देख सकते हैं आप ऊपर से स्थिति, पहले शुरुआत में आपको नी बेंड करके रखना है, बाद में धीरे धीरे शांति से लेट जाएंगे, लेकिन कमर दर्द की समस्या में इसमें और ज्यादा आपको सावधान रहना है, लेटना नहीं। ये देखेंगे ऊपर से आप स्थिति को समझ पाएंगे ज्यादा कि मेरे पांव की स्थिति के डीप स्ट्रेच हो रहा है पूरे इनर थाई आउटर थाई एरिया में, और पूरा पैल्विक मजबूत हो रहा है, स्ट्रेचिंग एंकल का हो रहा है, एंकल टाइट हुए है तो शुरुआत में आप लेटे नहीं। कमर में टाइटनेस हो, बैक की समस्या हो तो शुरुआत में लेटे नहीं। ये एक मैं कई आसन बताने जा रहा हूँ, समय दीजिए अगर समस्या से बचना है। समय नहीं है फालतू सब वीडियो देखते रहिएगा, टाइम बर्बाद होगा, हासिल कुछ नहीं होगा। तत्व को जानने के लिए जिससे जीवन रूपांतरण हो समय दीजिए, यहाँ समय देंगे तो जीवन को और समय मिलेगा, समझ रहे हैं सारा ना? तो आप समझदार हैं तो उसको देखें। और कई आसन जैसे मलासन, लेकिन फिर वही इसमें भी अगर किसी को नी का प्रॉब्लम है तो दोनों पैर को आप इस तरह से थोड़ा गैप देंगे और धीरे धीरे, शुरुआत में देखिए मैं जैसे हाथ रख करके नीचे जा रहा हूँ, अपने सिटिंग बोन को जमीन के तरफ छोड़ते चले जाए, ये स्थिति रहेगी। और फिर नमस्कार ऐसे भी कर सकते हैं, एल्बो को इस तरह से नी के साथ सपोर्ट लगा के, दिक्कत हो रही है तो एक पांव को बेंड करके शुरुआत में इस तरह से स्ट्रेच करा, फिर यहाँ से स्ट्रेच करा, स्ट्रेच कराना यानी रहना। अब कई लोग ऐसे ऐसे, ये एक्सरसाइज है इसको मत करने लगे, रहना यानी स्ट्रेंथनिंग एंड स्ट्रेचिंग, दैट इज एक्चुअल योग आसन। तो आपको स्ट्रेच एंड स्ट्रेंथ ये दो पर फोकस करना है, अदरवाइज ऐसे रहें ये बेस्ट है।
मालासन काफ़ी इफेक्टिव है। अपान वायु के दोष से ये प्रोस्टेट की समस्या होती है, और क्योंकि जब प्रोस्टेट इनलार्ज होता है तो आपके पेशाब की जो एरिया है, मतलब जो जगह है जहाँ यूरिन का ब्लाडर जिसको कहते हैं, वो उसको कंप्रेस करने लगता है, इसीलिए दिक्कत आती है। और प्रोस्टेट सेक्स में भी आपका इन्वॉल्व है, क्योंकि जो अंडकोश का जो स्पर्म है उसको प्रोस्टेट का जो वाइड डिस्चार्ज है वो उसको कैरी करके पेनिस से बाहर करता है, इसीलिए वो भी सेक्स में उसका इन्वॉल्वमेंट है। तो इसीलिए धीरे धीरे सेक्सुअल डिस्कम्फर्ट के तरफ भी जा सकते हैं अगर प्रोस्टेट की समस्या बनी रही तो इसीलिए इस तमाम चीज़ों को ध्यान से समझेंगे। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, मालासन नहीं हो पा रहा है, ऐसा ऐसा आसन है कि सब कर सके तो बेहतर। तो देखिए जैसे लेट जाइए, सबसे आसान आसन है पेल्विक पर हम अब स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं, दोनों पाँव को धीरे से उठा दीजिए और इस तरह से विमान आसन की स्थिति। देखिए मेरा वेट पेल्विक पे आ रहा है, सारा चीज हवा में रहिए। ये रहना जो है ना, ठहरना जिसको मैं कहता हूँ बार बार, काफ़ी इम्पैक्टफुल है, ये सबसे सिंपल है। और इसको बढ़ाना है तो आप धनुरासन की तरह दोनों पाँव को हिप डिस्टेंस पे रखें। कई लोग ऐसे हिप को फैला देते हैं, वो गलत है, इतना रखें और धीरे धीरे बिना जोर लगाए ठीक है रहिए। ज़्यादा फोकस क्या करना है कि पैल्विक को ग्रेविटी के अगेंस्ट प्रेस करते हुए अपने अपर बॉडी को लिफ्ट करना है, गर्दन को थोड़ा उठाना है, श्वास लेते छोड़ते रहिए। आसन में श्वास लेते हुए जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे, इन बिटवीन श्वास लेते रहें और रेस्ट करें। यहाँ समय की मर्यादा है तो मैं ज़्यादा देर नहीं रुकता हूँ, आप ज़्यादा देर रुक सकें सहजता में तो ही रुकें, अदरवाइज वापस आ जाए। लगे कम समय हम आसन में टिक पाते हैं, शरीर चैलेंज बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, बाहर आ जाए, एक ही दिन में दम सारा प्रोस्टेट को फिक्स कर दूंगा, ऐसी भूल भुलैया में ना आए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, इसीलिए धीरज गुरु के संग होए। तो ये पकड़े रहिए, धीरे का कार्यक्रम है ये। तो यहाँ पर काउंटर पोस्चर क्या करना है, अधोमुख से एक बार, ताकि बैक हमारा रिलीफ हो जाए, ये बीच बीच में करते रहने का, बिना बोले फुल बॉडी स्ट्रेच काफ़ी क्रांतिकारी है अधोमुख स्वर। अब और प्रोस्टेट के लिए रामबाण आसन क्या है भैया, ये तीन ब्लॉक लाए हैं, इसको इधर पहले ले आता हूँ और लेट जाता हूँ। सुप्त बद्ध कोण के साथ भी इसको जोड़ रहे हैं, यहाँ पे क्या दोनों पाँव के बीच में हिप डिस्टेंस, कई लोग यहाँ रख देते हैं, ये हिप हिल हिप के बीच में चार उंगली का गैप, इतना दूरी हो और चौड़ाई ऐसे नहीं, सबका नियम है। अब क्या है कि टीवी में जो ड्रामा चल रहा है योग के नाम पर, उसने योग का जो विज्ञान है उसको कहीं फेंक आया है अरब सागर में, और दावा किया जा रहा है घर घर योग को पहुंचा दिए, घर घर दवा को पहुंचा दिए हैं योग के नाम पे। योग पहुंचा होता तो दवा की इंडस्ट्री इतनी खड़ी ही नहीं होती, इसलिए हमें योग पहुंचाना है। दवा मतलब कुछ भी हो सकता है, एलोपैथ आयुर्वेद सब दवा ही है, एक दवा से दूसरे दवा में आप चले गए बीमारी वहीं रह गई। तो यहाँ पे बगल में हाथ रखेंगे, श्वास लेके कमर को ऊंची करेंगे, ठीक है। कंधे को कई लोग उठा लेते हैं, गर्दन को उठा लेते हैं, वो नहीं उठते, पाँव हिलने लगता है वो नहीं, कई लोग ऐसे फैला देते हैं तो फिर असर नहीं आएगा। ये ऊपर उठेगा खूब, लेकिन पैल्विक फ्लोर मजबूत नहीं होगा, इसलिए कम उठाइए। लेकिन अब स्ट्रेचिंग स्ट्रेच करेंगे कंधे से इंटरलॉक करके, ये अब यहाँ पर जिस ऐसे बने रहेंगे तो ये ज़्यादा स्ट्रेच और स्ट्रेंथनिंग करेगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी आपको खींच रहा है और आप सपोर्ट नहीं दिए। शुरुआत में मजबूत नहीं हो तो आप ब्लॉक रख सकते हैं, लेकिन मैंने कहा है शुरुआत में रखना है, इसको परमानेंट बनाने का भूल नहीं करें। दो ब्लॉक आता है दो रख दें, तीन आता है तीन रख दें, जो कम्फर्ट ऐसे रहे। फिर आँख बंद कर लीजिए, शवासन में रह के वशिष्ठ प्राणायाम, क्या है वशिष्ठ प्राणायाम थोड़ा गूगल सर्च करके अच्छे से समझ लीजिए, ये करना। फिर ज़्यादा अच्छा क्या स्थिति है, बिना सपोर्ट के एक एक ब्लॉक करके आपको हटाना है, बिना सपोर्ट के ऐसे रहें तो धीरे धीरे आप फील करेंगे इंटरनली, जैसे इस तरह से मसल आपका कॉन्ट्रैक्ट होता रहेगा, तो स्ट्रेंथ जो उसमें आएगा और स्ट्रेचिंग जो होगी, जो तनाव है वो निकल जाएगा, वो बेमिसाल है। फिर अपान आसन, खासतौर पर इसका नाम ही अपान आसन, यानी प्रोस्टेट की समस्या अपान आसन के अपान वायु के दोष से होती है, तो
तो ये आसन भी काफी इफेक्टिव है और सेतुबंध में काउंटर की तरह काम करेगा। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान देना है कि इस एरिया को अभी भी आप क्या कर सकते थे कि मेरे वीडियो को पूरा देखते हुए बद्ध कोण आसन में बैठे हैं और वीडियो देख रहे हैं, कहीं भी बैठे हुए हैं बीच बीच में बद्ध कोण लगा दीजिए, घर में बैठे हैं पढ़ाई कर रहे हैं बद्ध कोण लगा दिए, टीवी देख रहे हैं बद्ध कोण लगा दी, बीच बीच में थोड़ा फिर आए कंफर्ट हो। एक और आसन को ध्यान में रखना है, जानू शीर्षासन। ये 90 डिग्री का डे बनाना, क्यों? क्योंकि ये जो आगे बढ़ाएंगे तो इस एरिया में पैल्विक में ये बेटर स्ट्रेच देता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, प्राण का प्रभाव बढ़ाता है, तनाव को रिलीफ करता है। टेंशन जो इस एरिया में इकट्ठा हो रहा है लगातार बैठने से, हम दिन भर बैठे ही रहते हैं, मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, जॉब में बैठे रहते हैं, खाना खाने के समय बैठे रहते हैं, टीवी देखने के समय बैठे रहते हैं, बाइक में बैठे रहते हैं, कार में बैठे रहते हैं, बस बैठने का एक कार्यक्रम होता है। एक आदमी या तो खड़ा ही रहता है या कोई बैठा ही रह जाता है। बैलेंस इज योग। तो श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे, ये देखिए पूरा नहीं आ पा रहे कोई बात नहीं, थोड़ा बैंड कर देंगे चलेगा, लेकिन स्ट्रेच हमको इस दिशा में करना। हर आसन में ये बोलना नहीं पड़े कि सांस लेना है छोड़ना है क्या, हर आसन में आने जाने पे सांस का नियम है, बाकी समय क्या करना है आपको श्वास दोनों साइड करेंगे ये ख्याल रहे, तो दूसरी साइड भी उसी तरह बराबर समय पे दोनों साइड करके वापस आए। तो ये महत्वपूर्ण सब आसन है और इसको आप नियमितता से करते रहिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि नियमितता के अभाव में आप सोचें कि कोई जादू होगा और करिश्मा गुरु जी के आशीर्वाद से चीज़ें फिक्स हो जाएगी। मैं वो ढोंगी गिरी नहीं सिखाता हूँ कि मेरा आशीर्वाद ले लीजिए, मेरा आशीर्वाद यही है कि आप जो पथ बता रहा हूँ सनातन प्राचीन युग का उसको अपनाइए, नहीं तो वैसे लोग ही मार्केट में हैं चल रहे हैं, आप उनके व्यापारिक सक्सेस को योग का सक्सेस मत मानिए। योग का सक्सेस यही है कि जो ऋषि मुनि की प्राचीन ज्ञान है उसको कौन सही सही पहुंचा रहा, क्योंकि सही ज्ञान पहुंच जाएगा तो फिर कोई भी दवा नहीं चलेगा, एलोपैथ आयुर्वेद कुछ नहीं, क्योंकि आयुर्वेद अगर शास्त्र पढ़ेंगे वो ज्यादा वकालत करता है कि परेशानी ही नहीं आए, पर दुख ही नहीं आए, तो हेयम दुख मनागतम। तो इस तरफ से भी आप चीजों को प्रकट कर सकते हैं जैसे कंफर्ट लगे। तो देखेंगे क्या करेंगे, मैट के आखिर में आ गए हम इस तरह से, और फिर धीरे धीरे जो है पांव को उठानी विपरीत करनी, क्यों जरूरी है प्रोस्टेट की समस्या में या सेक्सुअल डिसऑर्डर में, दोनों में हम बताते हैं, लेकिन 13 से ज़्यादा बेनिफिट हैं बीमारियों में खास तौर पर, वो वीडियो को आप देखेंगे। इसमें आप खास तौर पे ऐसे रहेंगे बहुत देर तक, 5 से 10 मिनट शांत होते जाएंगे, ये सबसे आखिरी आसनों में से एक करेंगे, और इसमें भी इफेक्टिव फूड बनाने के लिए आप बद्ध कोण की स्थिति में भी आ सकते हैं, इसे थोड़ा नीचे आ रहा था आने दीजिए ये, या इस तरह से पांव को थोड़ा सा फैला करके रहेंगे, ये जो एरिया है इसको स्ट्रेच, लेकिन थामे रखेंगे, तो थामे रखने से क्या होगा कि बहुत ज़्यादा डीप स्ट्रेच में ना चला जाए कि 2 दिन में पांव ही जाम हो जाए, तो एकदम से मेरा शरीर मना जब करने लगे तो वापस आ जाना, ऐसा नहीं आज तो मैं प्रोस्टेट को ठीक करके रहूँगा और इसके चक्कर में इसमें टंगा रहूँगा, नहीं ये भूल मत कीजिए, अति सर्वत्र वर्जते यानी अति का त्याग। तो ये बैलेंस में आएगा, फिर नी बैंड करेंगे इस तरह से, मैं यहाँ 5 से 10 मिनट नहीं रह रहा हूँ आपको समझा रहा हूँ, टर्न करेंगे और शवासन में कुछ देर पड़े हैं, शवासन स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा जरिया है और शवासन में आप अपने बॉडी को फिर से रिन्यू कर पाते हैं, तो ज़रूर वीडियो को ऑन करके शवासन को आप किया करें। तो इतनी सारी जानकारी के बाद अगर आप नियमित रहें, जैसा महर्षि पतंजलि कहते हैं कि दीर्घ काल यानी ज़्यादा वक्त तक, निरंतरियम यानी रोज रोज बिना फैल, और सिस्टमैटिक यानी सत्कार सेवित हो, श्रद्धा और सिस्टम से जो योगाभ्यास करता है दृढ़ भूमि यानी सक्सेस को प्राप्त करता है, जीवन में भी सफलता के यही 3 सूत्र हैं, इसको अपना लीजिए, और साधना में भी यही सूत्र हैं जिनको अपना लीजिए, अगर इनको अपना लिया तो योग वास्तविक तौर पर आपके जीवन में आ जाएगा, घर घर गली गली हम हैं योग बलि का नारा आपके जीवन में छा जाएगा, और फिर मुझे विश्वास है कि आप एलोपैथ से होम्योपैथ, फिर होम्योपैथ से आयुर्वेद, इस पैथी के चक्कर में नहीं फंसेंगे,
नेचुरल घर में जो सात्विक भोजन है लेते रहिए, उसी में आयुर्वेद के कई नुस्खे हमारे दादी नानी जानते रहे हैं, उसको लेते रहिए काफी है। हाँ, किसी के दुकान के साथ, किसी के दुकानवादी प्रोपगंडा में मत फंसिए। योग के ईश्वरीय कार्य है, देवीय कार्य है, ऋषि मुनियों का जो वरदान है उसको ज्यादा गले लगाइए, आपका स्वर्णिम भविष्य आपका इंतजार करेगा। धन्यवाद, आज इतना ही। जय गुरु भगवान वशिष्ठ, हरिओम।